भाजपा के आरके सिन्हा ने आज एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आज कहा कि बंगाल में अराजकता के मद्देनजर राष्ट्रपति शासन लागू की जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर जो कलकत्ता के डायमंड हार्बर में हमला की गई है, यह कड़ी निंदनीय है। कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय जी के काफिले पर, जो कि कलकत्ता से डायमंड हार्बर जा रहा था, जिस प्रकार का हमला किया गया तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा, वह अशोभनीय और निंदनीय ही नहीं है, शर्मनाक है। यह सिद्ध करता है कि ममता बनर्जी का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं रह गया है। आप जो वीडियो क्लिपिंग्स आई हैं देख सकते हैं, दोनों तरफ तृणमूल कांग्रेस के झंडे लगाकर बड़े बड़े झंडों में कार्यकर्ता खड़े हैं, पुलिस भी खड़ी है, और उन्हीं झंडों से मोटरसाइकिल से जाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं की बुरी तरह पिटाई हो रही है, काफिले पे पत्थर फेंके जा रहे हैं। ये चलने वाला नहीं है, लोकतंत्र में ये कभी चला नहीं है। इंदिरा गांधी का दमन नहीं चला, बंगाल में जब सिद्धार्थ शंकर रे ने नक्सलियों का दमन करना शुरू किया तो मार्क्सवादियों की सरकार आई। मार्क्स